अब देखो कुंती पुत्र को, भैया मेरे आज अब देखो कुंती पुत्र को कुंडल कवच भी दे दिए। और क्या दे दिया भैया? और मांगे जो बैरण मात ने वो बाण पांचू दे दिए। सबसे पहले तो मैं दूर दराज से आए हुए सत्संग और भक्त और श्रोताओं को यहाँ आने का धन्यवाद देता हूँ। इस पद में अगर कोई गलती हो जाए तो हमको माफ कर देना बच्चे। मांगे जो बैरण मात ने वो बाण पांचों दे दियो। सज्जनों, इस कथा के माध्यम से हम उस दानीकरण के जीवन की कुछ खास खास घटनाएं आपको बताने जा रहे हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के अनुसार, वरदान के अनुसार कुंवारी कुंती के करण पैदा हो जाते हैं। सज्जनों, जब कुंवारी के करण पैदा हो जाते हैं तो लोकलाज की भैंसे वो अपने पुत्र को हेजती नहीं है और गंगा जी में एक पिटारे में बंद के फेंक देती है। तो सज्जनों, इस बारे में आप ध्यान लगा के सुनो। हाय हाय रे धोको पण धोको भैया हो धोको हो गो मेलन में गाजा बे कुंती कुंवारी के। ए रे धोको गो मेलन में गाजा बे कुंती कुंवारी के। हो भरती जवानी में लगा गो दाग बेचारी के। धोको मेलन में गाजा बे कुंती कुंवारी के। भरती जानी में लगा गो दाग बेचारी के। धोको मेलन में गाजा बे कुंती कुंवारी के। भरती जानी में लगा गो दाग बेचारी के। हरे होले होले जावे लाल छाती के लगायो है। ओ होले होले जावे लाल छाती के लगायो है। कालो सो कलंक भानु मेरे चू लगायो है। रे दुबके जावे होती आवे भोरे। वो दुबके जावे होती आवे भोरे। ऐसी वाकी चाल जाने जावे कालो चोर है। रे पहुंच गई गंगा घाट लाल को निहारो है। वो पहुंच गई गंगा घाट लाल को निहारो है। राम तेरी माया को तो पार नहीं पायो है। रे छोटो सो अबोध बाल खेलवा की गोदी में। और क्या भैया? वो छोटो सो अबोध बाल खेलवा की गोदी में। वाकू काई ठीक मैया नहीं है मेरी सोदी में। अरे तो कू दे दूं गंगा मैया ले लीजो मेरो छैया। लोकलाज को हारे हे लोक लाज को काज हियो बन कर लियो पक्को। हियो बन कर लियो पक्को। हरे ऐसी का मैया हो ये पूत के दे दियो धक्को। पिटारे में बंद के पुत्र को बहा दिया गंगा नदी में। तो कैसे पुत्र बहता जा रहा है और घाट पे ठाड़ी ठाड़ी कुंती माता क्या सोचती है। हाजी अबला तो ठाडी घाट पे वाकी आनंद लाल पे फाटी तो जावे आत्मा। और दो जीव न्यारे कर दिए रे तेने कारची परमात्मा। कैसी रची का माता को माता हो गई न रो रही पिंजड़े में पंछी उड़ चलो। और अनजान में हुई भूल जे को दाग मोकू दे चलो। कुंती माता बिलक करती है। हरे लाल तू रीत रीत हो तो। रे लाल तू रीत रीत हो तो। मैं कुआ पूजन जाति ढिंग तेरे चाचा जी सो तोरे नाल मेरे गाडत देवरिया रे नाल मेरे गाडत देवरिया। और भारी राजी होती मेरी सास बैठती ओ घर घर घेवरिया रे सातिया ननदीप लगवाती रे सातिया ननदीप लगवाती। अरे वाकू हंस हंस देती ओ नेग मांडना पौड़ी पे मंडवाती रे ब्याव तेरो करती चावन सूरे ब्याव तेरो करती चावन सू। मेरो बाबुल भर तो भात भराती मैं तो सो गावन कू। और क्या भैया? अरे हे रे मन की मन में रह गई बेटा मैं तो पड़ गई उलझन में। ए रे बेटा मैं तो पड़ गई उलझन में। अरे जे हेजूंगी तो आज उठेगी बादल मुलकन में मरती गाड़ी रोला राजा गाड़ी गए धोखा होगा मेरा बेटा जावे कुंती गाड़ी है ओ मरती गाड़ी रोला राजा। उसी समय पर क्या होता है? ताही समय। अरे ताही समय मैया गंगा की धारा में राधा या धीरथ दोनों तो आवे रे बहतो तो आवे रे। एक मंजूसा को लेके खुशी से किनारे पे आवे। हरे पायो मंजूसा में नवजात खेलत देखत वाकू गले से लगावे वे छाती पे वाकी पे कवच विराजत कानन कुंडल शोभित पावे। उसी समय राधा और अधिरथ गंगा स्नान को गए। उनके कोई बच्चा नहीं था और उसको अपने घर पर ले आए। कैसे लालन पालन करते हैं वो कर रहे लालन पालन प्यारू बेटा हो तो आयो होशियारे दोनों भारो लाड लडावे। और थोड़ा ही दिन पाछे गुरुद्वारा में पढ़वे कूलावे लाए द्रोण गुरु ढिंग लाए बाने न्यो पटकार बजाए। चारे तो शर्म नहीं आखिन में और काई ले गो पढ़वा में पढ़वो नहीं तेरा भागन में। अरे हे ले जाओ या कुओ भार बता दो नहीं मन की बात अनकू। ए बता दो नहीं मन की बात अनकू। अरे यहाँ पढ़ते हो राजकुमार ठहरो नहीं नीति जाते द्रोणा गुरु कर्ण को भगा देते। भाई यहाँ तो राजकुमार पढ़ते हैं, नीची जातों को यहाँ पर पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है। कैसे जाते हैं? चल दियो हारे चल दियो करनी चाकू नाड़ खुद को देवे न्योधिकार दिल में छायो रोस अपार पहुँच गो परशुराम के द्वार। गुरु जी शेष बनाओ मोए आपनो रे चलो कर गो न्यो चतुराई बाने अपनी जात छिपाई। एकदम दया गुरु को आई सारी विद्या दया पढ़ाई चलावे बाण सारा सर भापड़ो। लेकिन क्या घटना घटती है? ऐसी घटी एक दिन घटना एकदम लगी गुरु के झपना। और क्या? ठंडी तो चले पवन पुरवाई और करण जांग पे धरो शीशवाकू गहरी निंद्रा आई। कीड़ा एक मही से आयो बने करण जांग पे खायो छूट गई गरम खून की धारे। और सुख से सोवे गुरु जांग में हो गो आरम पारे। रुधिर जब गरम बदन के लागो हो एकदम टूटी निंद्रा जागो। पहनवा करण नहीं सीसायो और तू छतरी को अंश दुष्ट तेन मोकू चो भरमायो। अरे हे गुरसूरा क्यों प्रपट श्राप तो दे दऊं वे ही मान ए श्राप तो दे दऊं वे ही मान अरे मेरा ले जा पाचो बाण बाण तेरे नहीं आवेगा कान गुरु परशुराम का यह नियम था, केवल वो ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। जब उनको पता लगा कि करण तो क्षत्रिय है तो वो श्राप देते हैं, हे दुष्ट तूने गुरु से अपमान किया गुरु का, इसलिए मेरी पढ़ाई हुई विद्या तुझे काम नहीं आएगी। करण गुरु के पैरों में पड़ जाते हैं तो गुरु सारी विद्या उनको 5 बाण में दे देते हैं। उधर क्या होता है, द्रोणा गुरु अपने जो शिष्य थे कौरव और पांडव उनकी एक दिन धनुष परीक्षा ले रहे थे। कौरव पांडवों की धनुष परीक्षा में गुरु को सबसे प्यारे थे अर्जुन, अर्जुन को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। लेकिन उसी समय पर घूमता घामता कर्ण वहां पहुंच जाता है और क्या कहता है द्रोणा गुरु से, वो गुरु माऊ करण बलि घुरावे हाली मत फेंटो बंधुआवे, तेरा तो मन की खसक बदले और पहला नंबर पर है बाड़ा सुमो पुआज भेड़ा ले, एकदम पड़ो गुरु ललकारे खासू आयो भग जा भारे, और क्या तो तन के शर्म नहीं आवे और हंसन की जोड़ी में शोभा कौन कागलो पावे, वो दादा दार चराला घोड़ा वो भगजा मुंड फोड़ा टुक टोड़ा, तू तो नहीं है अंश छतरी को और चौसिंघन के घाट कर मैं बेटा बकरी को। और क्या कहते हैं गुरुजी सुन के ले, आज सुन के गुरु की बात को ना सूर जैसे घाव को कर नाड़ नीची जा रहे हो और काटे तो नहीं है खूनवा को ढील रिस में फट रहे हो, अरे हे छतरिन को एक काम काम नहीं नीची जाटन को ए काम नहीं नीची जाटन को, अरे बन तो नहीं पता वो यार तेरा मैया पर को क्योंकि द्रोणा गुरु जानते थे करण अर्जुन से ज्यादा धनुर्धारी है, तो गुरु पे और तो कछु बना नहीं और बोले यार तुझे तो तेरी मैया बाबों का ही पता नहीं है, तू क्षत्रियों की सभा में धनुष बाण नहीं चला सकता। फटकार के भगा देते हैं करण को। सुन के गुरु की बात को, आज सुन के गुरु की बात को ना सूर जैसे घाव को कर नाल नीची जा रहे हो और काटे तो नहीं खून बाको ढील रिस में फट रहे हो, मेरी मात भरण हो गई मोकू अंधेरो दे गई दे के जन्म जाने कहाँ गई, अरे होता ये देती मार तो दिन आज को या तो नहीं बिलक करते हैं करण, हरे कताई मोयले बैठी मैया रे कताई मोयले बैठी मैया, और देख देख बाके हाल हंसे पांडव पांचों भैया रे, भेद जातिन को मिट जाएगो रे भेद जातिन को मिट जाएगो, और बोले नो धृतराष्ट्र फूल कोई अमर से लाए गोरे झटक गयो सुन बानी दानी ठिटक गयो सुन बानी दानी बन लियो धनुष आज खेच लियो झटका ननतानी। और क्या भैया? अरे हे रे देर आयो तीखे बोल गुरु अब ले नंबर में, ए गुरु अब ले नंबर में। अरे फूलन कियो हुई बरसात बाण गब फूलन की हुई बरसात बाण जब छोड़ो अंबर में। सज्जनों, धृतराष्ट्र ने कहा कि इस सभा में जाति पाति का भेद मिट जाएगा। कब मिट जाएगा? जब कोई अपने बाण से स्वर्ग से फूल तोड़ के ला देगा। कर्ण ने एक ऐसा बाण छोड़ा स्वर्ग में जो फूलों की बरसात हो गई। दुर्योधन ने सोचा ये तो कोई बहुत तगड़ा योद्धा है, क्यों नहीं मैं इसको अपना यार बना लूं और अंग देश का राज दे दूं। तो कैसे भाईला बनाता है दुर्योधन कर्ण को। अरे तो कु भाईलो हो तो कु भाईलो बनाऊं ओला राजा रे, मैं तो भाल बनाऊं तो कु राजा रे। अरे धरकंधा पे हाथ मटाने छाती के चिपकायो, धरकंधा पे हाथ मटाने छाती के चिपकायो। और गदगद होगो दानी कहने नन में नीर भरायो अंग देश को। कैसे? वो अंग देश को बना दियो राजा रे, तो कु भाईलो बनाऊं ओला राजा रे। अरे हे जाने काई घटना घट घटावे घट घट को वासी, ए घटावे घट घट को वासी। अरे रंग कन को कर दे भूप करे भूप पर को सन्यासी। वो जाने कहीं घटना घटे घटावे घट घट को वासी, और रंग कनकू कर दे भूप करे भूपन कु सन्यासी। सज्जनों, सूद पुत्र करण को अनदेश का राज दे दिया। भगवान की पता नहीं क्या क्या लीलाएं होती हैं। उधर क्या होता है, भगवान कृष्ण कुंती से कहते हैं कि हे कुंती, आज देखिए शांति बनाए रखें, आपको आनंद आएगा। अगर तुझे अपने बेटों की जान बचानी है तो तू ऐसा कर, इस अंधेरी रात में तेरे बड़े बेटे कर्ण के पास युद्ध भूमि में जा और उससे वो पांचों बाण लेके आ जो तेरे पांचों बेटों के लिए उसने सुरक्षित रखे हुए हैं। यदि वे बाण तू उससे नहीं लाएगी तो तेरे पांचों बेटे मारे जाएंगे। सज्जनों, उस अंधेरी रात में कुंती अपने बेटे से पहली बार कैसे मिलने जाती है और कैसे बाण मांगती है। कर्ण को पता नहीं था कि मेरी माता कुंती है, तो कैसे जाती है, कैसे जाती है भैया। कर्ण की पौड़ी पे आवाज लगाती है, हाय हाय रे ओला जाओ तारी मैं तारी ये लो पाड़ रे। ए रे ओला जाओ तारी मैं तारी ये ला पाड़ रे। वो तेरी पौड़ी पे भिखारी हो जैके मार रे ओला ओ तारी मैं तारी ये लो पाड़ रे। पौड़ी पे बेकारी जाकर मारे रे बोला ओ तारी मैं तारी ये ला पाड़ रे। भाइयों पौड़ी पे बेकारी जाकर मारे रे। अंधेरी रात में करण ने माँ की आवाज सुनी तो द्वार पर आ जाता है। सुन के देखो अंधेरी रात। आज देखो अंधेरी रात को सुन बात को दानी करण ठाडो होयो। हर या कौन पुकारे रात में निज द्वार पे झटे आ गयो। झोली पड़ी थी द्वार पे अबला खड़ी थी ओट में शर्मा रही। और शर्मा रही सकोचा रही और रो रही बोले नहीं। वो देवी का चाहिए अब तो को बिन संकोच बता दे मोकू। और क्या भैया क्यों आधी पे हर जगायो। और जे कोई मंग तो आयो बाकूरी तो नहीं लौटायो। मायरी मायरी काई को करे अब देरी पूरी करू समस्या तेरी। और क्या भैया जे मांगेगी तो दे दूंगा। और आधी हुई रात छोड़ो बहुत और सो लंगो। हारे हे मांगता तो रे लाल रोज तेरे घर आता जाता। ए रोज तेरे घर आता जाता। अरे पण झोली भाई पसारे आज तेरी जय माता। जब वो कहती है कि तेरी जनवाड़ी आज झोली फंसा रही है बेटा, पहले तेने कुछ भी दान दिया होगा लेकिन आ तो तुझे जनने वाली आई है। तो क्या कहते हैं करण? सुन के बता। आज सुन के बचन भीगे नयन गिर गो धरण वाकू तमाड़ो आ गयो। और मेरे नहीं कोई मातवा के रोस भारो छा रहो। कैसी तू मेरी मात है ये घात है काप्यो नहीं तेरो हियो। बारो लड़ायो लाड जब हो ताके धक्को दियो। करण कहता है मेरी कैसी माता है तू, तूने तो मुझे बहुत लाड लड़ाया, मुझे होते कोई धक्का दे दिया गंगा में। तो कैसे कहता है? ऐसे कहता है भैया डॉक्टर साहब बताओ। हरे मात मैं तो कर दियो बेदार को रे मात तन कर दियो बेदार को। और वही मेरे मैया बाप भलो है राधा रथ को रे के खाई मैंने ठोकर दार दार की। रे के खाई मैंने ठोकर दार दार की। मुहे इसो पड़े रे अंदाज चाल कछु होएगी नटवर की। रे बेचारो दुर्योधन मेरो यार बेचारो दुर्योधन मेरो यार। और भारो बे सम्मान भजा तेरा जाया मोह फटकार। सुरत कार्रवाई दिन की मैया रे सुरत कार्रवाई दिन की मैया। बिंगड़ी मेरे पकड़ो हाथ इसो मेरो दुर्योधन भैया दिन की मैया। बिंगड़ी मेरे पकड़ो हाथ इसो मेरो दुर्योधन भैया। और क्या भैया? अरे हे रे मेलन में रे बाड़ो माई मेरी गैलन में डोलो। ए रे माई मेरी गैलन में डोलो। अरे आसमान को पटको मैया में तो धरती को झेलो। कुंती माता अपनी क्या मजबूरी बताती हैं करण को? वो सुन के बात मात नो बोली बाने बात राज की खोली। बेटा दोष कछु नहीं मेरा और तेरी मेरी दुनिया में हो जाता घोर अंधेरा। मैंने कोई सु करो नहीं प्यारो पेड़ को माने दुनियादारे। मैंने तो नहीं मेरी लाज गमाई, और जमी आसमां चांद सितारे ये सब मेरी गवाही। और क्या मजबूरी बताती है कुंती माता। अरे हे काई करती मेरा लाल के चौनाई में रोगित गलो, एक चौनाई में रोगित गलो। अरे दोनों माई बेटा होगा बदन नाम जमानो तो कुंती कहती हैं, हे बेटा मैंने मेरी लाज नहीं गंवाई, अब असकुदरती ऐसा काम हो गया तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कर्ण अपनी माता की बात से संतुष्ट हो जाते हैं और उनके नयन भीग जाते हैं। सुन के वचन देखिए, आज सुन के बचन भीगे नयन गिर गोधरण, पकड़े चरण मेरी आत्मा तरपत हुई। और वो गो जन्म मेरो सफल जे मात तन बेटा कही, तो से कही सब बात का पैगात। सुन रही मात मैंने छाती तो उलर कर लई, और आई अंधेरी रात में चौमात का चुका तो सही। करण कहते हैं, हे माता आपने मुझसे बेटा कहा, मेरी आत्मा तृप्त हो गई, अब तू ये बता कि इस अंधेरी रात में आई क्यों। अरे मैं तो मिलवा भैया हो, मैं तो मिलवा आई, मेरा लाल घना रे दिन बीत गया रे पेड़ सुकुड़े। और क्या वो पैर सुकुड़ मुकुड़ हो रही बदन वाका कांपे रहे। और पाचन को कैसे वो पाचन को ले रही पाट एक पे ध्यान नहीं रे मतलब की। और क्या वो मतलब की ओ दुनियादार दया के खोज नहीं। क्या मांगती है झोली। अरे हे झोली दइए पसार भूल जा पिछली बातन को, ए भूल जा पिछली बातन को। अरे तेरी मैया मांग मेरा लाल घेता दे तेरा कुंती माता करण से फिर बेईमानी कर गई। करण क्या कहते हैं, वो तो दाने थे। हरे पसीना की बह गई धारे अपार, पसीना की बह गई धारे अपार। और जैन बहारी ने जुलम कर मुफ कर दिए दो दो बार रास्ते। थ्यारे मारे न्यारे न्यारे रे रास्ते, थ्यारे मारे न्यारे न्यारे। मैंने वाह को खायो नमक बहुत मोहे दुर्योधन प्यारे रे, पांच प्राणन से भी प्यारे, पांच प्राणन से भी प्यारे। पर अर्जुन से मैं लड़ू फड़क रहे धनुष बाण मारे रे, मात मुसुखे वे मुंड फोड़ा रे, मात मुसुखे वे मुंड फोड़ा। मेरी नीतियाँ हो जाए सब हम जब खेमे टुक टोला रे, ठसक मेरे भाई से लड़ बाकी रे, ठसक मेरे भाई से लड़ बाकी। और वाह को खायो नमक मात वाह करत चुका बाकी रे, जार कैदी जो तेरा यार जोन सू रे, जार कैदी जो तेरा यार जोन सू। पर धोखा में नहीं रहे घिसर धर ले गो बाका बाणन को। पर तेरे तो माई पूत रहेगा वही बात होगा पाँच। वो तो दानी थे। माता तू चिंता मत कर, मेरे पांचों बाण तो ले जा, लेकिन मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन मरे, तेरे पांच बेटा ही रहेंगे। कुंती माता बाणों को लेके वापस आ जाती है। दूसरे दिन संग्राम चालू हो जाता है। कर्ण अर्जुन दोनों भाई आमे सामे हो जाते हैं। कर्ण अर्जुन के रथ को 3 कदम पीछे हटाता है और अर्जुन कर्ण के रथ को 7 कदम पीछे हटाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शाबाशी देते हैं, हे कर्ण, धन्य है तेरे माता पिता जो तेरे जैसा वीर को जन्म दिया। अर्जुन इस बात का ऐतराज करते हैं, गांडी फेंक देते हैं। हे मोहन, आप मुझे यह बताओ, मैं 7 कदम हटाता हूं फिर भी आप कर्ण को क्यों शाबाशी देते हो? भगवान मधुसूदन हंस जाते हैं, अर्जुन तेरे रथ का हाड़ी 3 लोक का नाथ है, ऊपर तेरी ध्वजा पे हनुमान जी हैं, फिर भी वो 3 कदम तेरे रथ को हटाता है, इसलिए धन्यवाद का पात्र कर्ण है। ये वार्तालाप चल रहा था जब तक बेचारे उस कर्ण का पहिया रेत की मिट्टी में धस गया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बाद में तुझसे पार पड़ने वाली नहीं अर्जुन, अब तू इस मौका से मत चूके। वो अब तू मत चूके, ओ पारथ कर ले तेरो पूरो स्वार्थ, ऐसो नहीं आवेगो मौको और सीढ़ा सीढ़ा सामे ही तेरो दाबो लगेगो चोखो, सर सर छोड़े बाण कराले अब तो करण होयो बेहाल, अरे भाई अब तोरण को रोको और करण धरण पे पड़ो, न्याय रणनीत नहीं है धोखो, मोसू काय को करो अन्याय, धोखो धोखो नो डकराए, थोड़ी सी कर दो बंद लड़ाई और तुम तो समदर्शी हो, मोहन काय को बनो अन्यायी। और क्या इस बात को सुनकर अर्जुन क्या कहता है कर्ण से, मेरो एकलो, अरे हे मेरो एकलो मारो पूत, शरम नहीं आई रे सातन को, ए शरम नहीं आई रे सातन को, अरे पण वादन खांगो न्याय भूल गो दीर्घ वादन को, और क्या क्या अन्याय बताया है। लाक्षाग्रह को खेले रचायो, झेना क्यों नहीं न्याय करायो, बाद ने कोई कुशरम नहीं आई और भरी सभा के बीच द्रौपदी जांगन पे बैठाई, कर तो करण नेम की बात, देने दियो बाप को साथ, हम काका बाबा का भाई और तेने कायकू टुक टोला फाटा में टांग फंसाई, हर ने दे दियो झट इशारो, पारथ कर दे आज कबाड़ो, अब तू कायकू करे देरी और पहिया निकला पाछे, फिर नहीं दाल गड़ेगी तेरी। अरे हे रच रच छोड़ा रे बाण, दया पारथ को नहीं आई, ए दया पारथ को नहीं आई, अरे बने दियो धरण पसार करण वाको, मजा आयो भाई दियो धरण पसार करण वाको माजायो भाई। सज्जनों, करण मरणासन अवस्था में पड़े हुए थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उस मरते मरते करण की परीक्षा लेने चाहते हैं। अर्जुन को बताना चाहते हैं कि ये कर्ण कितना दानी है, तो एक बूढ़े ब्राह्मण का भिखारी का भेष धर के कैसे परीक्षा लेने आते हैं उस मरे पड़े हुए, मरने के समान पड़े हुए कर्ण की परीक्षा लेके लकुटिया। आज लेके लकुटिया हाथ में धोती फटी सी, कांख में बन के ब्राह्मण आ गयो। अंतिम समय है दान दे ऐसे करण सू कह रहो। भिखारी रूपी श्री कृष्ण क्या कहते हैं करण से? क्या कहते हैं भैया? हाय देदर वो देदर को छूटा तू तो वारोदा। हारे मुँह पे हथ नहीं कछु विप्रतन मर तो यार सतायो, हरि हर मर तो यार सतायो। और कंचन तेरे दातन में बाम मन ने नो समझायो। दे 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 क्या कहते हैं? मत जारी तो आज विप्रतन आरोप या तो रे हरि हरि आरोप या तो। तू ले जा कंचन दान तद एक मोटो सो भाटो। उस ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को गुस्सा आ जाता है, भाई तेरे दांत मुझसे क्यों तोड़वाता है, तू कैसे कहता है? सुनते ही बामन पूरे से आई तो पूने के शर्म नहीं आई। जो तू मेरे बाप लगावे और दांत तुड़ावे मुँह पे, जो तू मेरा धर्म घटावे। तेरे तो नहीं दे बाकी मन में बिरथा, जो तू घुसे बेलन में। मोसू तो कर दे साप मनाई और रीतो ही जाऊं मेरा घर कूतो पे जोर कछु नहीं भाई। बोलो हाथ जोड़ कर दानी मोकू माफ करो रे ज्ञानी। बेचारो पड़ो पड़ो ही सर क्यों और ले पत्थर को करे चोट विष्णु को ही ओ धड़ क्यों। वो प्रगट होगो बंसी वालो, वो प्रगट होगो बंसी वालो। धर लियो रूप चतुर्भुज प्यारो। और क्या? झट से जा पकड़ो बको हाथ और मांगे जे तू मांग करण मोकू नहीं चाहिए तेरे दांत। नहीं है तो जैसो कोई दानी मैंने हारे अपनी मानी। प्रभु जी मोए थारो ही दास बना जो और कोई पवित्र जगह पर चिता बनाकर माई मेरा दाग लगा जो। करण ने भगवान से केवल एक बात मांगनी, हे भगवान मुझे किसी पवित्र जगह पर मेरी चिता लगनी चाहिए। आशीर्वाद दियो सिर धारो, हरि हरि कर वैकुंठ पधारो। हरि ने तुरंत खबर पहुंचाई और कर जो क्रिया कर्म करण मारो थारो है मा जायो भाई। हरे हे टप टप आंसू जाए पिता में लेटो सेठी पे। ए पिता में लेटो सेठी पे। हरे करण वीर की चिता लगाई हरण मेरे हाथ लेटी पे। ओ राजा योदारी में तारी दुर्योधन ही धर्मराज को पता लगा था कि कर्ण मेरा मांझाया भाई है और कुंती माता ने आज तक मुझसे ये बात छुपा कर रखी। अरे तुम हला हला भैया, अरे तुम धीरे धीरे कूदो मेरा यार, दौड़ मत दीजो।